नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य के दिन भर के 21 प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ में अति भारी बरसात की चेतावनी, रायपुर बिलासपुर संभाग में मूसलाधार बारिश की संभावना। अंतागढ़ से चली पहली ट्रेन, स्टेशन पर उमड़ी भीड़, दुर्ग तक चलने वाले पैसेंजर को सांसद ने दिखाई हरी झंडी। श्रीलंका ने चीनी शोध जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने की दी अनुमति। चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 11.41 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ, विदेशी यात्री गिरफ्तार। लेखक सलमान रुश्दी पर हमले को सही नहीं कहा जा सकता, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया। 2024 में मोदी ही पीएम बनेंगे, लेकिन 2025 में नीतीश सीएम नहीं होंगे, पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा। श्रीकांत की गिरफ्तारी के विरोध में एमपी महेश शर्मा के खिलाफ लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मरीज मिला, अब तक कुल 5 केस हुए। कर्नाटक में सीएम बोम्मई के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बताया। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले डेलीगेशन से मुलाकात की। मोहम्मद नदीम को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जेईएम से कनेक्शन के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। रेवड़ी कल्चर पॉलिटिक्स पर घमासान जारी, संबित पात्रा के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने कह दी बड़ी बात। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,815 नए केस मिले, पॉजिटिविटी रेट 4.36% हुई। गाजियाबाद में बाइक सवार युवक ने कार ड्राइवर की पिटाई की, वीडियो हुआ वायरल। लुधियाना में छापा मारने पहुंची सीजीएसटी की टीम पर हमला, पथराव, कारों के तोड़े शीशे। भारत में होने वाले एससीओ आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लेगा पाकिस्तान। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का नया पता बना, निजाम पैलेस, मां काली का नाम जपते आए नजर। स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका की हडसन नदी पर खादी से बने तिरंगे का फ्लाई पास्ट आकर्षण का केंद्र होगा। भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के लिए जिम्बाब्वे रवाना। कॉरपोरेट कर संग्रह में हुई वृद्धि, अप्रैल जुलाई में 34% बढ़ा। फिर बिगड़ी राजू श्रीवास्तव की तबीयत, अभी भी वेंटिलेटर पर है कॉमेडियन। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।